Hello everyone, today we will discuss this is my second video on the morphology of bacteria and in this we are going to discuss the inhibition of cell wall synthesis. सबसे पहले तो जो हमारे जैसे हमारे बॉडी में जो इंजाइम जो ह्यूमन के बॉडी में एक इंजाइम होता है लाइसोजाइम जो कि ह्यूमन के टिश्यू के फ्लूइड में होता है वो क्या करता है दैट कॉज लाइसिस ऑफ सस्पेक्टेबल बैक्टीरिया. ओके, जो भी बॉडी में हमारे लग रहा है कि सस्पेक्टेबल है दैट कैन कॉज डिजीज तो उसको पहले उसका लाइसिस करवा देता है. ठीक है ना, कैसे? बाय द स्प्लिटिंग सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड लिंक. ओके, अब जैसे ही ये सेल वॉल की म्यूकोपेप्टाइड लिंक को तोड़ देगा उसके बाद क्या हो जाएगा, देन दिस विल रिजल्ट इन द फॉलोइंग. इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें प्रोटोप्लास्ट दिखेगा. प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या चेंजेस होगा जब हम लोग इंजाइम कम जब इंजाइम विल बी एक्ट ऑन द बैक्टीरिया. तो सो जब लाइसोजाइम इस पर एक्ट किया, ठीक है, किस पे एक्ट किया, एक्ट ऑन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ठीक है, और एक इसमें करता है इन्हें हाइपर जब इन्हें हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन तब जाके एक प्रोटोप्लास्ट बनता है. टाइम मैंने बोला ना कि प्रोटोप्लास्ट बनता है, प्रोटोप्लास्ट बनेगा, प्रोटोप्लास्ट इज फॉर्म्ड. इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है साइटोप्लाज्मिक दैट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और उसका कंटेंट्स. वी हैव सीन द प्रोटोप्लास्ट. अब मतलब कि जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे जब इंजाइम एक्ट करता है तो क्या होता है, उसके बाद जब लाइसोजाइम एक्ट करेगा ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो क्या हो जाएगा, तो जब लाइसोजाइम एक्ट करता है ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो उसमें क्या होता है दैट रिजल्ट इन स्फेरोप्लास्ट. ओके, और ये प्रोटोप्लास्ट से डिफरेंस है क्योंकि इसमें दिस कंटेन क्योंकि इन दिस द सम सेल वॉल मटेरियल इज रिटेन्ड. दिस वॉज द वन थिंग. नाउ इसके बाद हम देखते हैं कि जो बैक्टीरियम है उसमें भी टू फॉर्म है, इसमें एक फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया का एल फॉर्म. This L form are those bacteria which are devoid of cell wall. After this L form, this can be seen in several kind of species. Several species of bacteria. Okay, ये जो L form जो होता है ये डेवलप करता है आइदर स्पॉन्टेनियसली और इन द प्रेजेंस ऑफ और इन प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलिन और फिर और कोई भी एजेंट जो कि इंटरफेयर करता हो और एजेंट दैट इंटरफेयर सेल वॉल सिंथेसिस. अब सेल फॉर्म होते हैं ना वो बेसिकली टू फॉर्म में मिलते हैं. तो जो एल फॉर्म कैन बी ऑफ टू टाइप्स. एक होता है अनस्टेबल एल फॉर्म और वन इज स्टेबल एल फॉर्म. डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल और उसमें क्या क्या मतलब सब कुछ है. जैसे सबसे पहले है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. ओके, देन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इट इज यहाँ पे लिखा हुआ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज अ थिन लेयर दैट इज 5 to 10 nanometer. और ऑफ कोर्स इट लाइज एज इनर लेयर
in a surface of cell wall. और ये सेल वॉल को मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सेल वॉल और जो साइटोप्लाज्म है उसको अलग करता है, ठीक है. और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस कंट्रोल द फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स टू एंड फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म. आफ्टर दिस द पैसेज थ्रू द मेम्ब्रेन दिस इज नॉट सोलली ए फंक्शन ऑफ मॉलिकुलर साइज ऑफ पार्टिकल बट ऑल्सो डिपेंड ऑन स्पेसिफिक इंजाइम इन मेम्ब्रेन. अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें दिस मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लाइपोप्रोटीन विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. आफ्टर दिस देन नाउ वी विल लुक द सेल इंटीरियर. जो सेल की इंटीरियर होता है दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट बाय द प्रोटोप्लाज्म. और जो प्रोटोप्लाज्म है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. दिस इंक्लूड द साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स जैसे कि राइबोसोम्स, मीजोसोम्स, वैक्यूल्स. ओके, यहाँ पे डायग्राम जो यहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे आप देख सकते हो. दिस इज द मीजोसोम्स. ओके, साइटोप्लाज्म इंक्लूजन बॉडी, फैट ग्लोब्यूल्स, साइटोप्लाज्म. ओके, बहुत कुछ आते हैं इन द सेल इंटीरियर. प्रोटोप्लास्ट पूरा जो सेल वॉल को पूरा सेल वॉल जो होता है इंटीरियर ऑफ द सेल वॉल उसको हम प्रोटोप्लास्ट तो बोल प्रोटोप्लाज्म बोलते ही हैं. प्रोटोप्लाज्म बोले और उसके अंदर क्या क्या होता है. साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, राइबोसोम, मीजोसोम, ग्रैन्यूल्स, वैक्यूल, न्यूक्लियर बॉडीज. आफ्टर दिस नाउ वी विल लुक द साइटोप्लाज्म. जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म होता है बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म दिस इज अ कोलाइडल सिस्टम एंड दिस कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट. ओके, एंड दिस इज इन विस्कस वाटरी सॉल्यूशन एंड दिस साइटोप्लाज्म कंटेन राइबोसोम्स, मीजोसोम, इंक्लूजन्स, वैक्यूल्स. ओके, साइटोप्लाज्म होता है वो बेसिकली उसमें हम लोग बोलेंगे जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है कोलाइडल सिस्टम. और इसमें ऑर्गेनिक सॉल्यूट भी होता है और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट भी होता है. और ये विस्कस वाटरी सॉल्यूशन एंड दिस कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम, मीजोसोम एंड इंक्लूजन्स वैक्यूल्स. इन यूकैरियोट साइटोप्लाज्म देयर इज इंटरनल मोर्टैलिटी दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बट इट डज नॉट शो दिस. सो here it does not exhibit internal mortality that is also called as protoplasmic
streaming. And this does not possess ER or mitochondria. This was the thing about cytoplasm. Now, after that, we will look about the intracytoplasmic inclusions. So there are various intracytoplasmic materials inside the bacterial cell wall, and that play a role in protein synthesis and metabolism of in the cell of cell. जैसे क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट होता है राइबोसोम. सो ए हैवी विल राइट वन इज राइबोसोम. फिर और प्रेजेंट क्या क्या होता है, मीजोसोम. एंड देर इज प्रेजेंट ऑफ सी, दैट इज द मेटाक्रोमैटिक या फिर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स. नाउ अब हम लोग राइबोसोम के बारे में देखेंगे. राइबोसोम and so this act as center of protein synthesis, and these are slightly smaller than the ribosome of eukaryotic cell, or after that जो ये राइबोसोम होते हैं जो प्रोकैरियोट में दे आर सीन, राइबोसोम आर सीन इंटीग्रेटेड इन लीनियर स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए टू फॉर्म पॉलीसोम्स. और जो बैक्टीरिया का जो राइबोसोम होता है, बैक्टीरियल राइबोसोम, This exists as 30S and 50S subunits. After ribosome, we will look the mesosomes, and this is also called as chondroids. And these mesosomes, these are vesicular. Convoluted, multi-laminated, a structure होता है ये, and these are formed by invagination of plasma membrane into the cytoplasm. And these are more prominent in gram-positive bacteria. और जो mesosomes होते हैं, ये principal site होता है. These are the principal site of respiratory enzyme in bacteria. अब मीन्स इट इज द रेस्पिरेटरी एंजाइम, मीन्स प्रिंसिपल साइट फॉर द रेस्पिरेटरी एंजाइम इन बैक्टीरिया. मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स. अब जो मिसोसोम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जब डिवीजन होता है जब, तो जो मिसोसोम कोऑर्डिनेट nuclear and cytoplasmic division during the binary fission. ये तो हमने दो देख लिया, राइबोसोम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स में, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स में, राइबोसोम, मेसोसोम्स, एंड नाउ वी विल सी द थर्ड, दैट इज द मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स. दैट इज मेटाक्रोमैटिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स. और ये क्या है, बेसिकली दिस आर द स्टोरेज प्रोडक्ट, दिस आर द स्टोरेज
product of metabolism and energy. Of metabolism and energy. और ये एग्जिस्ट करता है एज एग्जिस्ट आइदर एस वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स और कैसे भी और एज ए पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड्स की तरह. और जो ये इंक्लूड होता है मेटाक्रोमिक ग्रैन्यूल्स है ये डिफर होते हैं डिफर इन डिफरेंट स्पीसीज. So this was about the metachromatin granules. Now we will look the nuclear materials. कि कैसे nuclear material होते हैं in bacterial cell wall, nuclear material. Now when we look about the nuclear material, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो bacteria जो होता है चूँकि prokaryotic है तो इसमें तो कोई भी there will be do not have membrane bound nucleus. और जो इनका न्यूक्लियर मटेरियल में जो डीएनए होता है तो डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियोइड फॉर्म. न्यूक्लियोइड मिलता है ओके. और जो न्यूक्लियर मटेरियल है बैक्टीरिया का न्यूक्लियर आफ्टर दैट द न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया दिस मे बी विजुलाइज्ड by electron microscopy and there is one nucleus per cell. और किसी cells में ऐसे भी होते हैं कि two nuclei there are found two or more nuclear body due to asynchrony between the nuclear and cytoplasmic division. So some cell may have two or more nuclear bodies due to asynchrony between nuclear and cytoplasmic division. After that, this nuclear material, this genome, this is consist of single molecule of double stranded DNA. After this, जो bacteria का जो chromosome होता है bacterial chromosome, this is haploid and this replicate by simple fission, not by mitosis. जो mitosis होता है this is mode of division in eukaryotic cell. तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ये सब हमें सभी सबको पता है कि जो जीनोम होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है वो हैप्लॉइड होता है और ये सिंपल फ्यूजन से डिवाइड करता है ना कि माइटोसिस. क्योंकि माइटोसिस ये सब हमें यूकैरियोटिक सेल में दिखता है तो उसमें लगता है बट बैक्टीरिया हियर इट इज़ नॉट सीन ओके. उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से दिखेगा एक न्यूक्लियस पर सेल होता है बट कभी कभी ज़्यादा भी होता है क्योंकि देयर इज सिंक्रोनी बिटवीन द न्यूक्लियर एंड द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल. After that, इसके बाद न्यूक्लियर मटेरियल के बाद हम देखेंगे we will see the plasmid. जो बैक्टीरिया होता है this may possess extra nuclear genetic elements and which is called as plasmid और इसको हम लोग episomes भी बोलते हैं. अभी जो plasmid है plasmid का जो transmission binary fission से मतलब कि नहीं होता है वो transfer होते हैं from one bacterium to other bacterium मतलब कि conjugation के time में ठीक है ना और by bacteriophage. So these are
transferred from one bacterium to other, either by conjugation or by bacteriophage. So this was about plasmid. Now we will see the some additional structures. So additional structures. तो जो बैक्टीरिया होते हैं, the bacteria cell may be enclosed in a viscous layer. मतलब viscous layer में भी enclosed हो सकते हैं, viscid layer. ठीक है ना. और ये भी फिर दो तरह का हो सकता है, एक तो स्लाइम लेयर और एक होता है कैप्सूल. स्लाइम लेयर इट इज द लूज स्लाइम लेयर एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइको कैलिक्स एंड कैप्सूल दिस इज द टाइटली ऑर्गेनाइज्ड. फिर जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सम बैक्टीरिया they contain carry the filamentous appendages protruding from the cell surface and this is called as flagella. इसमें भी दो होता है, एक होता है flagella, ठीक है ना, और एक होता है fimbriae. जो फ्लेजेला होता है, दिस इज द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन. और जो फिम्ब्री होता है, ऑर्गन ऑफ एडेशन, ऑर्गन फॉर एडेशन. नाउ अब हम लोग देखेंगे द स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल. स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल्स. सो हियर वी विल लुक दैट मेनी बैक्टीरिया दिस सिक्रीट ए विस्किट मटेरियल अराउंड द सेल सरफेस. एंड जब ये ऑर्गेनाइज रहता है इन अ वेरी डेफिनेटली ऑर्गेनाइज इनटू sharply defined structure, जैसे कि we see in example is in streptococcus pneumoniae, then it is called as capsule. And जब ये loose होता है, when loose then it is called as slime layer. Okay, sometimes these capsules are very thin. Sometimes क्या होता है, capsule are too thin to be seen under light microscope and these are called as microcapsule. नाउ इसके बाद क्या होगा, जो ये स्लाइम लेयर हमने पढ़ा वो क्या होता है, जो स्लाइम लेयर ओके दिस कुड बी ए पॉलीसेकेराइड और दिस कुड बी ए पॉलीपेप्टाइड. पॉलीसेकेराइड जैसे इट इज सीन इन द एस निमोनियाई and polypeptide that is seen in anthrax bacillus. Now ye to humne dekh liya. Now we are going to look the demonstration of the capsule. So we demonstrate the capsule by the two method, either there are the two method, that is the staining method
एंड द सीरोलॉजिकल मेथड. सीरोलॉजिकल मेथड आफ्टर दिस वी विल लुक द फ्लैजेला. फ्लैजेला क्या है? बेसिकली दे आर द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन. दिस आर द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन एंड दिस कुड बी आइदर सिंगल मल्टीपल देन दैट इज द अनब्रांच्ड. ओके एंड इफ देयर विल बी द इफ अगर ऐसा कभी होता है कि देयर इज कोई इंजरी हो गया एंड दैट इज डिटैचमेंट ऑफ द फ्लैजेला देन इससे सेल की वेबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो डिटैचमेंट ऑफ द फिम्बरी डू नॉट इम्पेयर द वायबिलिटी ऑफ सेल. Now we will look the structure of flagella. So basically if we say talking about the structure of flagella, this has three distinct part. And isme kya kya hota hai? Filament, hook and the basal body. तो इसकी अगर हम फिलामेंट की बात करेंगे तो जो फिलामेंट होता है दिस प्रोट्रूड्स आउट ऑफ द सेल और ये कनेक्टेड टू हुक एट सेल सरफेस. उसके बाद ये तो फिलामेंट तो बाहर की तरफ निकल गया, ठीक है ना, और ये कनेक्ट किससे रहता है? हुक से, जो कि सेल सरफेस के ऊपर रहता है. और जो हुक है दिस इज अटैच्ड टू बेसल बॉडी. और जो बेसल बॉडी है दिस इज एम्बेडेड इन सेल एनवेलप. उसके बाद जो फ्लैजेला है, मतलब कुछ जो बैक्टीरिया है, सम बैक्टीरिया जो क्या होते हैं, this some bacteria exhibit that is called as biplicity. Biplicity means ki flagella of different length, flagellal of different length. उसके बाद जो flagella होता है, flagella this is made up of प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजेलिन. ये भी किरेटिन एंड मायोसिन की तरह ही होता है, ठीक है ना. एंड आफ्टर दैट ये जो फ्लैजेला होते हैं उनके कंपोजिशन मतलब बैक्टीरियाज में सेम होता है, बट जो एंटीजन लेवल है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है. जैसे एक फ्लैजेलर एंटीजन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजेलर एंटीजन इज देयर and this is called as H antigen. Okay, and this kind of antigen induce specific antibodies बहुत ज़्यादा में, ठीक है ना. So this was about the flagella. Now we will look the arrangements of flagella. Arrangement of flagella. तो बेसिकली क्या होगा, जो flagella होगा वो किसी में प्रेजेंट होगा, किसी में absent होगा, ठीक है. और फिर उसके numbers में, उसके arrangements में ये अलग अलग bacterias में different होगा. So there is presence or absence of flagella और उनके number, उनके अरेंजमेंट. आफ्टर दैट दिस फ्लैजेला दिस मे बी सिंगल
Okay, this may be in the Tufts in form. This may be at both pole, and this could be around all over the cell, all around the cell, or it can be present one or both end of the cell. So basically, यहाँ पे क्या single? Single means what you will say. This means then this is the monotrichus. Tuft. इसका नाम हम लोग क्या देते हैं? That is the lophotrichus. Both pole. इसको हम लोग बोलते हैं amphitrichus. And all around the cell. इसको हम लोग बोलते हैं peritrichus. And one or both to the end of the cell. This will be called as polar. Okay. After the flagella, now we will look one more structure of the bacteria, that is the fimbriae. When we are saying about the fimbriae, तो कुछ जो gram negative bacteria होते हैं, gram negative bacteria you can say bacilli most मतलब bacilli as the तो उनको that carry fine hair like surface appendages and that is called as fimbriae or pili. ठीक है, ये fimbriae और pili होते हैं, they are the shorter and thinner than flagella. And they project from the cell surface as a straight filament. उसके बाद हम देखते हैं कि there are मतलब कि there we get at least 8 morphological type of pili they are known, and they are classified as the common and the 6 pili. And this common and 6 pili are differentiated, these are based on their function. After this, अब हम पिलाई के बारे में देखेंगे. तो जो पिलाई होते हैं दे आर मोनोमर ऑफ पिलाई. दिस इज द मोनोमर पिलिन एंड दिस ओरिजिनेट फ्रॉम This originate in cell membrane. After that, जो fimbriae होते हैं वो दिखते हैं seen under electron microscope. और जो fimbriae होते हैं this function as organ of मतलब organelle of adhesion, and this help cell to adhere firmly to various kind of particle तो हमने क्या देखा कि जो कुछ ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैसिलाई होते हैं, उनमें कुछ फाइन हेयर लाइक सरफेस अपेंडेजेस होते हैं, जिसको हम लोग फिमरी भी बोलते हैं और हम लोग पिलेज भी बोलते हैं. और ये छोटे होते हैं और पतले होते हैं एज कम्पेयर टू द फ्लैजेला, और जो कि सेल सर्फेस से सीधे फिलामेंट्स के फॉर्म में निकलते हैं. ठीक है ना, और इनकी लिखा हुआ है कि 8 मॉर्फोलॉजिकल टाइप ऑफ पिलिन हमें मतलब ऐसा हमें दिखा, ऐसे क्लासीफाइड है, एंड दैट इज क्लासीफाइड एज कॉमन एंड द 6 पिलाई. ठीक है, और जो पिलाई होता है वो मोनोमर ऑफ पिलिन होता है. ठीक है, आफ्टर दैट
एट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ पिलिन था, तो यही पिलाई का जो जो है वो हम आगे देख रहे हैं कि दिस इज द मोनोमर ऑफ पिलिंस एंड दिस ओरिजिनेट इन द सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद फिर हमने देखा फिम्ब्रेन, क्योंकि बहुत सारे सरफेस अपेंडेजेस रहते हैं पिलाई फिम्ब्रिया, तो फिर फिम्ब्रिया को देखते हैं हम लोग। तो फिम्ब्रिया हम लोग को इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है एंड दिस फंक्शन इज ऑर्गेनल ऑफ एडेशन एंड ये हेल्प करता है टू अडेयर द फैमिली ऑफ वेरियस काइंड ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, एंड दिस वेरियस काइंड ऑफ पार्टिकल मीन्स की ये जो होता है मीन्स की जैसे वेरियस काइंड ऑफ पार्टिकल, जैसे कि एग्जाम्पल इज लाइक न्यूट्रिशनली फेवरेबल माइक्रो एनवायरमेंट, एग्जाम्पल इज लाइक ओके। आफ्टर दैट वी लुक द ए स्पेशल टाइप ऑफ फिम्ब्रिए होता है ओके, स्पेशल टाइप ऑफ फिम्ब्रिए दैट इज ए फिम्ब्रिए केपेबल लाइक दैट स्पेशल टाइप ऑफ फिम्ब्री इज देयर, फिम्ब्रिए आर देयर दैट इज कॉल्ड एज सेक्स पिलाई, दिस इज कॉल्ड एज सेक्स पिलाई। और ये क्या होते हैं, दिस आर द लॉन्गर, दिस आर लॉन्गर एंड दे आर फ्यूअर इन नंबर, फ्यूअर देन द अदर फिम्ब्री, देन और भी फिम्ब्रीज होते हैं तो उससे कम नंबर में होते हैं फिम्ब्रिए। उसके बाद ये तो होते हैं एक क्या, दे आर फाउंड ऑन द मेल, एक तो मेल में पाए जाते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज डोनर ए पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड दिस हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ दो सेल टू फीमेल। उसके बाद फिर क्या बोलता है कि दिस जो यहाँ पे अटैचमेंट जो होता है मेल और फीमेल का, दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ होलो कॉन्जुगेशन ट्यूब। और इसके थ्रू क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है ट्रांसफर होता है फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट, थ्रू विच जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। दिस वाज द थिंग अबाउट फिम्ब्री। नाउ आफ्टर फिम्ब्री वी विल लुक अबाउट द स्पोर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्पोर्स, तो जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, सम बैक्टीरिया they have the ability to form highly resistant resting stage and this is called as spores. And the example जो कि spores बनाते हैं, that is the bacillum clostridium. After that, हर एक जो bacteria है, each bacterium, this form one spore. हर एक bacteria जो होता है form one spore. और जब ये spore germinate करता है, when this spore germinates, this form a and this after germination this form a single vegetative cell, this forms a single vegetative cell and this is the thing, this is the reason why okay miss I mean to say it forms a single vegetative cell. Now after that I want to say that the sporulation in the bacteria, this is not a method of reproduction,
ठीक है। उसके बाद फिर है कि बैक्टीरियल स्पोर जो होते हैं, बैक्टीरियल स्पोर्स दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द पेरेंट सेल एंड दे आर कॉल्ड एज दे आर कॉल्ड एंडोस्पोर।